पहुंचे नहीं है, लेकिन अब आपको आप चंबा क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा इतने पहाड़ों से हमें ट्रैवल किया पूरा? राइड बड़ी सही रही, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। रोड स्मूथ है, कुछ जगह पे हमें भी रास्ते में जाम मिला, तो लेकिन ओवरऑल इट्स गुड। तो आप अपने ऑडियंस को, जैसे हमारी ऑडियंस है, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे कि वीकेंड्स पे आना चाहिए ट्रैफिक के लिए? आना चाहिए, अगर आप जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, सारा टाइम घर पे रहोगे, 5 दिन काम करोगे, तो वीकेंड के लिए माइंड रिफ्रेश के लिए बहुत बढ़िया जगह। तो वीकेंड्स पे हम आ सकते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे कार में आना चाहिए या बाइक पे या स्कूटी पे? डिपेंड करता है, जिसको गाड़ी पसंद है गाड़ी, बाइक राइडर्स होते हैं वो बाइक ही प्रेफर करेंगे। तो ट्रैफिक का इशू रहेगा? तो जैसे अभी आपने बोला ट्रैफिक मिला आपको, ज्यादा नहीं ट्रैफिक है चंबा, अगर आप सिटी, जैसे हम चंबा की तरफ से आए हैं, ऋषिकेश टू चंबा एंड सुरकंडा देवी अब जा रहे हैं, तो चंबा की सिटी के अंदर आपको जाम मिलेगा ही, क्योंकि वीकेंड्स हैं ऑलरेडी, तो उससे आपको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रास्ते में जाम मिलेगा। तो मतलब लोगों को आना चाहिए, चाहे कोई भी जगह। ओवरऑल हाईवे जो है वो तो ओपन ही है, ओपन है, स्मूथ है, आपको गाड़ी चलाने बाइक चलाने में बहुत मजा। जानते हैं कुछ यहाँ के लोगों से इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की मान्यता के बारे में। फाइनली हम सुरकंडा देवी के नीचे है, अब हमें ट्रैकिंग शुरू करनी है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की मान्यता की, इस मंदिर की क्या मान्यता है। सो हियर वी गो। मान्यता ऐसी है, मैम यहाँ पे माता सती का सर गिरा था। ओके, सर गिरा था। हाँ जी, इसलिए सिद्धपीठ है, सुरकंडा देवी का मंदिर है। ओके, और आपकी दुकान का नाम? दिया मैगी पॉइंट। ओके, दिया मैगी पॉइंट। हाँ जी, तो जब भी आप यहाँ सुरकंडा देवी आए, दिया मैगी पॉइंट पे जरूर मैगी खाने आइए। तो हम क्या खाने वाले हैं यहाँ पे? मैगी खाएंगे यहाँ पे, और साथ में चाय लेंगे, और प्रसाद भी लेना है भाई। प्रसाद लेना है, आज हम नवरात्रों के टाइम पे हैं, प्रसाद जरूरी है। तो आज दूसरा नवरात्र है, हम सुरकंडा देवी आए हैं, और 1.5 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस अब कवर करना है, वो रहा ऊपर मंदिर। हमारी ट्रैकिंग मंदिर की शुरू हो चुकी है, हमने मैगी खाई है, तो चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, पैदल या फिर घोड़े के साथ, लेकिन हम पैदल जाएंगे। भाई हम पैदल जाएंगे, जय माता दी, लेट्स रॉक। मंदिर की ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी, हालत खराब हो गई, क्योंकि इससे पहले कुछ मैगी खा रही थी। बाकी बहुत सही था, उसने बचा लिया थोड़ा। हाँ, पूरा इसके बाद दिखाती हूँ। पूरे 10 मिनट बाद आ रहे हैं मेरे बाद, ये पीछे। अरे बोलो, जय माता दी, मिलके बोलो, जय माता दी। के बाद जब आप ये व्यू देखते हो ना, तो बस लगता है कि वो चढ़ाई सफल हुई हमारी चढ़ना। तो आपके मंदिर जरूर आइएगा नवरात्रों में, वरना और अदर डेज में भी आ सकते हैं।
अब हमें बताई जाएंगी कुछ अनकही बातें जो इस मंदिर के बारे में है, हमें नहीं पता, तो शिवम जी को पता है तो शिवम जी हमें बताएंगे। हरिद्वार में स्थित कंखल एक जगह है जहाँ पे कि दक्ष मंदिर है, और जब वहाँ पे यज्ञ हुआ था तो शंकर भगवान जी को वहाँ पे बुलाया नहीं गया था, तो उस कंडीशन में जो है सती माता वहाँ पे चली गई थी और वहाँ पे देखा कि शंकर भगवान का अपमान हुआ, तो वहाँ से वो जो है हवन कुंड में कूद गई थी। तो जब उन्होंने अपने शरीर को पूरे दहन कर लिया, जला दिया, तो फिर वहाँ पर जो है शंकर भगवान आए थे और उनको जो है जली अवस्था में देख करके बहुत ही क्रोधित हुए थे और उनको लेकर के, सती माता को लेकर के जो है हिमालय की तरफ गए थे, तो उनके जो बॉडी पार्ट्स काफ़ी सारे जलते हुए कुछ एरियाज में गिरे थे, और जहाँ जहाँ पे भी वो एरिया में गिरे थे तो वो सिद्धपीठ जो है वो बन गए। उसमें से कुछ जो पार्ट है वो उत्तराखंड में गिरे थे और कुछ हिमाचल में गिरे थे। तो आज हम जो सुरकंडा देवी आए तो यहाँ पर जो है सती माता का, जो कि साक्षात पार्वती माता का रूप थी, तो उनका जो फेस है वो यहाँ पर गिरा था, तो उसकी पूजा होती है। और यहाँ की जो एनर्जी है बहुत ही बेहतरीन एनर्जी, और यहाँ पर आकर आपको एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील होती है, और बहुत ही अच्छा सिद्धपीठ ये है। अब हम नीचे जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक नया मेरा फ्रेंड मिला है, देखना चाहेंगे? मंदिर का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे, कैसी ट्रैकिंग लगी आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया ट्रैकिंग है जी, जीवन में बहुत आनंद आया और दर्शन हुए भगवान जी के, बहुत आनंद आ रहा है उतरने के लिए। यात्रियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यात्री के लिए कहना चाहेंगे यहाँ पर आए और दर्शन करें, और अपना जो है तो जो व्यू है यहाँ का मंदिर के साथ साथ व्यू भी बहुत अच्छा है और बड़ा सुकून मिलता है यहाँ करके। हम नहीं, यूपी से है, जिला बिजनौर से। हाँ जी, ठीक है जी। साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय, जय माता दी, जय माता दी। बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे शॉर्टकट पे जा सकते हो तो आप जा सकते हैं। अब हम भी ये शॉर्टकट पे जाने वाले हैं, सो लेट्स सी कैसा रहता है। या कृपया करके ये घर पे ट्राई मत कीजिए, बहुत ही रिस्क की हो सकता है, वैसे घर में आपको ऐसा शॉर्टकट मिलेगा नहीं। शिवम जी कुछ इस पे कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या कमेंट्स? नो कमेंट्स, इसके दांत देख लो बस। तो फाइनली हमने ट्रैक पूरा हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वेदर बहुत अच्छा है। तो ट्रैक पूरा खत्म हो चुका है, थोड़ी बहुत थकावट फील हो रही है, 10-20% कह सकते हैं, क्योंकि चढ़ते हुए तो चढ़ाई थी, आते हुए भी वो काफ़ी ढलान से उतरना पड़ा, तो घुटनों पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, बाकी फिर है तो 10-20% आपको थकावट फील हो सकती है।
mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. हिमालयन डेविल्स, तो हमने यहाँ कॉफी ली, तो काफी अच्छी कॉफी थी और ब्लैक टी वगैरह ली। तो भैया जी से हम थोड़ा सा पूछते हैं, बाकी मेन्यू कार्ड वगैरह भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आइटम्स मिलती है। भैया जी, लोकेशन एग्जिट कौन सी पड़ती है? ये धनोल्टी सुहागोली नियर बाय सुहागोली। सुहागोली जी। ओके, तो ये मसूरी से धनोल्टी के बीच का रास्ता पड़ता है। ओके, और सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे आपको चाय भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी खाने के लिए, बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया है व्यू, देखिए व्यू बहुत ही प्यारा है। और प्राइस एकदम रीजनेबल प्राइस है यहाँ पे। और आप जब भी मसूरी आए और धनोल्टी की तरफ जाए तो यहाँ पर आप जरूर आइए, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत मिल जाएंगे लेकिन व्यू के साथ रेस्टोरेंट बहुत कम मिलेंगे। ये हिमालयन डेविल्स बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, आप कह सकते हैं कैफे है, और यहाँ पे काफी सारी आइटम्स हैं, तो आप स्नैक्स, डिनर, बहुत सारी चीजें, ब्रेकफास्ट सब मिलेगा आपको। तो आप जब भी आए तो खा के जरूर जाइएगा यहाँ पे। ओके भैया।